चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए निकल पड़े। फिर आसमान से बातें करते फाइटर टारगेट पर निशाना लेते हैं और बम बरसा देते हैं। चीनी एयरफोर्स की ओर से जारी इस वीडियो में कई खास बातें हैं। पहली ये कि इसमें दिखाए गए फाइटर जेट H-6 विमान हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि जिस टारगेट पर ये विमान बम गिरा रहे हैं, वो अमेरिका का एंडरसन एयरफोर्स बेस है, जो प्रशांत महासागर स्थित गुआम द्वीप पर मौजूद है। खास बात ये कि अमेरिकी विदेश विभाग के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान के उस हिस्से के पास सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिस पर वो दावा ठोकता रहा है। इसी अभ्यास के दूसरे दिन 19 सितंबर को चीन के एयरफोर्स के वीबो अकाउंट पर यह वीडियो जारी किया गया। चीनी वायुसेना का यह वीडियो 2 मिनट और 15 सेकंड का है, जिसे हॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर उन्हीं फिल्मों के टुकड़े इस्तेमाल कर बनाया गया है। गुआम एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं का बेस है, जो किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालांकि इस वीडियो पर चीन के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लिहाजा इस वीडियो को अमेरिका के खिलाफ चीन का एक और प्रोपेगेंडा माना जा रहा है।